नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो आपको साइड में बेल आइकन भी दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो देख सकें। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। देखिए, अब की बार जो है एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। यूँ तो ये 23 नवंबर को कही गई है, लेकिन जो एकादशी तिथि मैंने यहाँ लिख दी है कि 22 नवंबर को सुबह 9 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। जो 22 नवंबर को ये सुबह 9 बजे शुरू होगी और सुबह ही 23 नवंबर के अगले दिन यानी 22 नवंबर से अगले दिन 23 नवंबर को ये सुबह 6:15 बजे के आसपास समाप्त भी हो रही है। तो 23 तारीख को एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है, तो इसलिए 22 नवंबर से 23 नवंबर को सुबह समाप्त हो जाएगी। तो एकादशी को उत्पन्ना तिथि क्यों कहा जाता है? इस एकादशी को जो है उत्पत्ति या उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और इसे वैतरणी या उत्पत्ति का एकादशी भी कहा जाता है। ये जो एकादशी है महर्षि कृष्ण एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के शरीर से एकादशी माता का जन्म हुआ था, यानी कि एकादशी माता उस दिन उत्पन्न हुई थी भगवान श्री हरि के शरीर से। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने से मन निर्मल और शरीर रोग रहित रहता है। जो इस दिन उपवास रखता है उसका मन शांत और निर्मल रहता है और शरीर के रोग भी समाप्त होते हैं, और इसका जो व्रत करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस व्रत का काफी महत्तम कहा गया है। और जो व्यक्ति इसे करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु जी ने मुरमुरा नामक राक्षस का वध किया था, जिसके साथ उनका 10,000 साल तक इनका युद्ध चला था। उसके बाद भगवान ने उस राक्षस का अंत किया था। तो जो आपको मैंने ये बताया है, इस व्रत को यदि आप करें तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको पुण्य का फल प्राप्त हो सकता है, तो इसे करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ आप भगवान विष्णु जी के सहस्र नाम, उनका कोई मंत्र, एक स्वर मंत्र आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसे करने से भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। यूँ तो साल में 24 एकादशी आती है, अमावस के पक्ष की और किसन पक्ष और शुक्ल पक्ष की 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन यदि मलमास पड़ जाए तो ये 25 या 26 भी हो सकती है। तो इसलिए हर माह कोई ना कोई एकादशी जरूर आती है, तो इसलिए आप जो ये व्रत करते हैं इनसे काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होता है। लेकिन जो विधि आपको बताई जा रही है उसके अनुसार यदि कराया जाए तो और भी अच्छा है। तो आज आप लोगों ने जाना एकादशी तिथि के बारे में। हमारी और वीडियो आप लोगों के लिए आगे आती रहेगी जिससे आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोई जानकारी यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा जो आपको मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, उस पर भी आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मैं आपको मोबाइल पर ही बता दूंगा। धन्यवाद।